हेलो एवरीवन, IITN ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 23 अगस्त के लिए बेस्ट 5 स्टॉक्स की लिस्ट, जिनके अंदर आपको इंट्राडे के अंदर ट्रेड करना है। तो मैं यहां पे आपको लेवल बताऊंगा कि कहां पे आपको एंट्री करनी है, टारगेट क्या होने वाला है और स्टॉप लॉस क्या होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको खुद से भी रिसर्च करनी है और फिर ही ट्रेड लेना है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। तो आपको खुद से रिसर्च करनी है और फिर ही ट्रेड लेना है। तो अब चलते हैं यहां पे जो लेवल्स हैं और जो स्टॉक्स हैं कौन कौन से हैं उनके ऊपर। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप जाकर के ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे आप हमसे सवाल पूछ सकते हो, मैंने चैट सेक्शन ओपन करके रखा है, अपने ट्रेड के बारे में डिस्कस कर सकते हो और सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन जो न्यूज़ आती हैं वो भी आपको मैं वहीं पे प्रोवाइड करता हूं। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के ज्वाइन कर लेना। डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है तो बिल्कुल फ्री में आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पे स्टॉक्स हैं उनकी लिस्ट के ऊपर। तो जो पहला स्टॉक हमने चुना है वो है TTML, टाटा टेली सर्विसेज। और इसके अंदर देखोगे तो ये जो स्टॉक है वो क्या करता है, एक चाल लेता है, फिर उसके बाद में एक करेक्शन करता है, यानी कि एक रेंज बनाता है, ठीक है, फिर वापस ब्रेकआउट देता है, फिर यहाँ पे एक जैसे इसने किया, फिर यहाँ पे इसने किया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे इसने एक रेंज बनाई और यहाँ पे आप देखोगे कि इसके अंदर मूवमेंट शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको एंट्री करनी है, 83.5 के ऊपर एंट्री कर लेनी है। 84.5 का पहला एक छोटा टारगेट होगा और 87 का बड़ा दूसरा टारगेट होने वाला है। 82 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट वाला स्टॉक हमने चुना है वो है एजिस लॉजिस्टिक, ठीक है। इसके अंदर भी देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके अंदर ये ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद में वापस इसने क्या किया, नीचे के साइड में आया था। अब इसके अंदर एक ये वाली जो कैंडल बनी है ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, यानी कि आप देखोगे कि ये इम्पल्स जो वेव शुरू होती है ना उसकी कैंडल की शुरुआत होती है ये, ठीक है। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे पिछले 4 दिन की जो कैंडल्स बनी थी नीचे गिरावट वाली, उनको सिर्फ एक ही कैंडल के अंदर एक ही बार में यहाँ पे झटके से निकाल दिया है, पूरी जो गिरावट थी उसको कैंसिल कर दिया है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो अपसाइड है वो शुरू दिखती है, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपको क्या करना है, 372 है वहाँ पे आपको बाइंग करना है, 376 के ऊपर आपको पहला टारगेट रखना है, 380 का दूसरा टारगेट रखना है और 367.5 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर का स्टॉक। थर्ड नंबर का जो स्टॉक हमने चुना है वो है स्टार सीमेंट। स्टार सीमेंट के अंदर भी देखोगे तो सीमेंट सेक्टर की जो भी कंपनियां हैं उनके अंदर अच्छी खासी मूवमेंट चल रही है और यहाँ पे आप देखोगे ये वाली जो रेंज थी इसका ब्रेकआउट के बाद में इसने रीटेस्टिंग की है। रीटेस्टिंग एकदम बहुत सही जगह पे की है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे हमारी ये जो लाइन बनी हुई है हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे इसका सपोर्ट लिया है, या आप इसको बोलोगे कि ये जो शुरुआत हुई थी इसका इसने 50% का रिट्रेसमेंट भी कर लिया, साथ में हमारी जो सपोर्ट जोन है उसके पास में भी आ गया और कैंडलस्टिक भी बहुत अच्छी बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एंट्री करनी है, 162 के प्राइस के ऊपर निकलता है तो 165 का पहला टारगेट रखना है, 168 का दूसरा टारगेट रखना है और 160 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखना है। तो ये हो गया हमारा थर्ड नंबर का स्टॉक। इसके बाद में जो स्टॉक हमने चुना है वो है मैक्स हेल्थ केयर। मैक्स हेल्थ केयर के अंदर भी देखोगे तो हमने यहाँ पे इस स्टॉक को कल भी दिया था और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ जो ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रखी है इसको इसने ब्रेकआउट दिया है। हमने कल ये बात कर रखी थी कि ये एक शोल्डर बना, ये एक हेड बना और ये एक तरीके का दूसरा शोल्डर बना सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने ये बात की थी कि बना सकता है और हमने ये भी बात की थी कि यहाँ से अगर निकलता है तो हमारा ये शोल्डर भी बनाएगा एक नया वाला, तो भी यहाँ पे टारगेट आ जाएंगे। तो आज वाले टारगेट आ गए और उसके बाद भी यहाँ पे ऊपर और निकल के चला गया है ये। अब ज़रूरी नहीं है कि ये हेड एंड शोल्डर ही बनाए, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हेड एंड शोल्डर ही बनाए, यहाँ से कुछ अलग भी चीज़ बना सकता है, वापस मूवमेंट ऊपर की शुरू कर सकता है। जब यहाँ पे आपको चार्ट पे सब चीज़ें दिखे नहीं, कंप्लीट चार्ट पैटर्न दिखे नहीं, तब तक आपको सिर्फ अज्यूम कर सकते हो कि ऐसी ऐसी कंडीशन हो सकती हैं। अगर वैसी ना हो तो कोई इसमें यहाँ पे दुख करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये ऊपर के साइड में डे हाई निकालता है तो आपको बाइंग साइड में जाना है, जो आपको 570 के ऊपर बाइंग करना है, 580 का पहला टारगेट रखना है, 584 का दूसरा टारगेट रखना है और 565 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना हमारा जो फोर्थ नंबर का स्टॉक हो गया। फिफ्थ नंबर का जो स्टॉक है वो हमने चुना है मैकडोवेल, या आप इसको यूनाइटेड स्पिरिट के नाम से भी जान सकते हो।
तो यहाँ पे आप देखो ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी इसको इसने बहुत अच्छे तरीके से ब्रेकआउट दिया है। और जितने भी आप देखोगे कि जो ग्लोबल स्पिरिट का शेयर आप देखो उसका शेयर भी बहुत अच्छा तरीके से आज चल रहा था, और जो बेवरेजेज वाले शेयर हैं वो भी अच्छी मूवमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसका आपको जो मंथली चार्ट है वो दिखाऊं तो इसके अंदर आप देखोगे कि ये जो हमारा एक चार्ट पैटर्न बना हुआ था इस चार्ट पैटर्न के अंदर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, इसने दो बार यहाँ पे रिटेस्टिंग की और वहाँ से इसने निकलना शुरू किया है। तो अभी तो इसके अंदर सिर्फ शुरू हुई है चाल, ठीक है, अभी क्या हुई है इसके अंदर चाल शुरू हुई है, ठीक है, ये बहुत ऊपर जाएगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको इंट्राडे के लिए लेना है तो 1037 के ऊपर आपको एंट्री कर लेनी है। 1050 का पहला टारगेट, 1055 का दूसरा टारगेट, 1030 का यहां पे स्टॉप लॉस लगा के रखना है। तो ये हो गए हमारे 5 स्टॉक्स की लिस्ट जिनके अंदर आपको इंट्राडे के ट्रेड करना है। तो आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।